प्रिय छात्राओं स्वस्थ रहो। आज मैं आपको शब्द निर्माण में समास सिखाऊंगी। समास की परिभाषा, देखिए ये जो समास पाठ है ये आपके पेज नंबर 37 पर है। अब सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर मिलाकर बनता है। नया इनको जोड़ने से एक नया शब्द बनता है। ध्यान रहे ये शब्द नया शब्द सार्थक शब्द होता है। अब समास की ये जो प्रक्रिया है ये दो तरह से होती है। पहला है समस्त पद। समस्त पद के अंदर अलग अलग जो शब्द हैं, समस्त पद में अलग अलग दिए गए जो शब्द हैं इनको हमको संक्षेप में लिखना होता है। शब्द समूह को संक्षिप्त करके हमें एक नया शब्द बनाना होता है और ये शब्द जो बनता है ये समस्त पद कहलाता है। जैसे मैंने दो शब्द लिए, पहला शब्द है रसोई, दूसरा शब्द है घर। अब इन दोनों को जोड़कर मैं ये नया शब्द जिसे रसोई घर बना इसे हम समस्त पद कहेंगे। समास विग्रह दूसरी प्रक्रिया है। समास विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो शब्द होते हैं, समस्त पद जो है यह एक जो शब्द तैयार हुआ इसे हमें अलग अलग करना होता है और बीच में परसर्गों को लगाना होता है। परसर्ग कौन से? तो को, के लिए, के द्वारा और से आदि, ये सभी जो हैं इनका हम प्रयोग करते हैं। साथ में संबंध सूचक शब्द भी आते हैं जैसे काके की रारेरी। अब यहाँ हम उदाहरण के लिए देखें कि हमने राजमहल, ये एक समस्त पद है, इसका समास विग्रह करना है। तो राज का, महल का समास विग्रह हुआ राजा का महल। तो का हमने संबंध सूचक शब्द यहाँ लगाया। समस्त पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद अर्थात पहले आने वाला पद, जैसे राजमहल शब्द है तो इसमें राज एक शब्द है, पद है, दूसरा महल एक पद है। तो राज पूर्व पद हो गया, महल उत्तर पद हो गया। इसके बाद हम समास के भेद या प्रकार देखेंगे। समास के कुल छह प्रकार या छह भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद समास, छठा बहुव्रीही समास। तो आज हम समास किसे कहते हैं, समास के जो दो प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, समास के भेद को समझे। अब मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूं। आपको अपनी रफ या आपके पास कक्षा की नोटबुक हो तो ये गृह कार्य करना है। पहला प्रश्न है समास किसे कहते हैं, दूसरा समस्त पद तथा समास विग्रह को समझाइए, तीसरा समास के कितने भेद होते हैं नाम लिखो। यहाँ भेद कितने हैं तो छह भेद और उनके नाम लिखने हैं। पहले प्रश्न के अंदर समास की परिभाषा लिखनी है, दूसरे जो है समस्त पद और समास विग्रह इनको आपको समझाना है। समस्त पद के अंदर आप लिखेंगे विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनता है जिसे हम समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह में आप लिखेंगे
जैसे शब्दों समस्त पदों को अलग अलग करके और उसमें परसर्ग का प्रयोग करके हम पहले वाले स्थिति में उसे लाते हैं, जिसे सबास विग्रह कहते हैं। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। हमेशा खुश रहो।